जो किसी भी इलाहाबादी व्यक्ति के अंदर एक नाम कौन देता है, विजयानगरम हॉल, साइंस फैकल्टी, इलाहाबाद, दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात ये कैंपस, साइंस फैकल्टी का एनसीसी ग्राउंड के ठीक बगल में, और आजकल के बहुत ही फेमस जो मल्टी स्टोरी है पूरे भारतवर्ष में नाम से फेमस है, वो भी इसी के पास ही है। फिर से एक बार इसके दर्शन, ये रोड मनमोहन पार्क से हाथी पार्क तरफ जाती हुई, और ये मल्टी स्टोरी ठीक बगल में, मंगोलिया मल्टी स्टोरी इलाहाबाद ही नहीं भारतवर्ष में शुमार रखता है अपने नाम की, अपने समय का एक महंगा मल्टी स्टोरी। ये रोड मनमोहन पार्क से हाथी पार्क की तरफ जाती हुई, सामने विजयानगरम हॉल, साइंस फैकल्टी, एनसीसी ग्राउंड, सामने इधर हॉस्टलों में बदनाम हिंदू हॉस्टल, जिसके नाम से ही प्रशासन हो चाहे स्टूडेंट हो सभी घबराया करते थे। चौराहा हिंदू हॉस्टल नाम जाना जाता है। इसके ठीक आगे हाथी पार्क और नाजरेथ हॉस्पिटल, जो इलाहाबाद की पहचान माना जा सकती है, सिग्नल ग्रीन होने को, बहुत बिजी चौराहा है इस समय। देखिए लोग जाते हुए, जाओ यार तुम लोग धीरे निकलो, बाहर जाना हो तो चौराहे से निकलती हुई गाड़ियाँ चौराहे पे हैं। इतनी जल्दी रेड हो गया सिग्नल, रेड होते हुए तुरंत देखिए ये हिंदू हॉस्टल का चौराहा, और इधर ये बालसन की तरफ जाता हुआ रास्ता अल्फ्रेड पार्क, सही चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बाईं तरफ जाके, ट्रैफिक कम होते हुए ये इधर अभी बंद है, थोड़ी देर में छूट जाएगा। ये सेंट मैरीज की तरफ जाता हुआ रास्ता, और ये सुमित्रानंदन पार्क जो कि इलाहाबाद की पहचान है, ये इलाहाबाद का म्यूज़ियम थोड़ी दूर आगे, वो स्थान जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे अपनी कनपटी पे गोली मार ली थी, यही अंदर राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित 1864 में, यही वो नीम का पेड़ था, अब तो ख़त्म हो गया है, अब ये गेटेड हो गया है, रोज़ वॉकर्स को 5 रुपये का टिकट देना पड़ता है।
सिटी रोड, सामने नागेश हॉस्पिटल, पार्क का वो हिस्सा जो छुट्टी के दिनों में 10 बजे रात तक गुलजार रहता है। ये आया नागेश हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी। ICU एम्बुलेंस सर्विस ऑन व्हील, खड़ी हैं ICU। और ये टू ऑल आगे वो स्थान जो क्रिसमस के दौरान क्रिसमस मेले के लिए प्रसिद्ध सेंट जोसेफ कॉलेज। December 25 जो हर वर्ष केवल 2 साल कोरोना के कारण मेला नहीं लगा, अदरवाइज हमेशा। स्टैंड गेट नंबर 1 शहीद भगत सिंह द्वार, शाम को समय ये जगह गुलजार रहती है, खान पान सेवा, फूड जॉइंट, फूड प्लाजा, लाइन से दुकानें, और अंदर कोई मेला भी चल रहा है ऐसा लगता है। सुर चल रहा हो अंदर, एक बहुत बड़ी मज़ार है। ये वो स्थान जहाँ पहले कभी नौकायन हुआ करती थी, हिंदुस्तानी एकेडमी के ठीक बगल में, इसमें ताल में जल भरा रहता था। एक मज़ार दर्शन, ये फेमस हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के अंदर हिंदी के प्रसार प्रसार के लिए स्थापित। दुनिया में है बड़ा नाम, देखिए इसके जस्ट आगे संगीत समिति, संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति,
ये भी एक पहचान है इलाहाबाद का नाम। अब ये वो स्थान इलाहाबाद में मन्मथ निकेतन हनुमान जी के मंदिर पर सिविल लाइन्स में है, इसके नाम से पहचाना जाता है। मंगल शनि और छुट्टी के दिनों में या जब कोई बोर्ड का रिजल्ट आता है। और ये सामने जो चौराहा है पीटी टंडन पार्क, 1976 के इमरजेंसी काल के दौरान कुछ चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर कॉमरेड चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की मीटिंग्स हुई थी, जिन्होंने 1976 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें अप्रत्याशित जीत जनता पार्टी को दिलाई और उसके बाद पहली बार इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो चौराहा बाएं झूसी की तरफ जाता हुआ